Audio Jungle. नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी 40 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ कुमार अब्बास। श्रावस्ती जनपद में आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीजल और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेट्रोल पंप पर जाकर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। आपको बता दें, लगातार एक महीने से हर रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। पेट्रोल 100 के पार होता जा रहा है, जिसके चलते जहां लोगों का आम बजट बिगड़ गया है, वहीं किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रावस्ती जनपद में आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नसीम चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकोना पेट्रोल पंप पहुंचकर डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये धरना प्रदर्शन कई घंटों तक चलता रहा। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को देखते हुए किसान पूरी तरीके से परेशान है, क्योंकि इस समय धान की बुआई करनी है, जिसमें पानी लगाने के लिए डीजल की जरूरत होती है और डीजल आसमान को छू रहा है। वहीं पेट्रोल के दाम भी बढ़ने से लोगों के बजट पर काफी असर पड़ा है, जिसको देखते हुए आज कांग्रेसियों ने जनपद में धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष जी, आज आपको आपके साथियों के साथ आपके घर पर नजरबंद किया गया है, भारी संख्या में आप पुलिस बल देखने को मिल रही है, क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ कारण? माजरा ये है कि आज उत्तर प्रदेश में जहरीली पदार्थ को लेकर तमाम लोगों के घर उजड़ रहे हैं। लगातार इस जहरीली शराब को पीकर लोग लगातार मर रहे हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन आज आयोजित किया था इकौना तहसील में जमनाहा में भिनगा में। हम लोग कार्यकर्ता हमारे धीरे धीरे इकट्ठा ही हो रहे थे, तब तक यहाँ पुलिस बल सुबह से तैनात कर दिया गया है और हम लोगों को यहीं नज़रबंद कर दिया गया। इलाज़ जी, आप ये बताएं कि जहरीली शराब पीने से अलीगढ़ में मरने वालों की संख्या जो है 108 हो चुकी है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा इसकी पुष्टि जो है 38 लोगों की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है, ये हमेशा आंकड़े को छुपाती रहती है, चाहे कोरोना का आंकड़ा हो, चाहे जहरीली शराब का आंकड़ा हो, चाहे लूट की हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे रेपिस्ट हो, सारी चीज़ के आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार छुपाना चाहती है। इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं महामहिम राज्यपाल को ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करके जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ADG आगरा जोन राजीव कृष्ण के मुताबिक शराब कांड में अब तक 17 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, इसमें 5 मुख्य आरोपी सहित 62 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आप क्या मांग कर रहे हैं, क्यों आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी बचे हुए हैं, जो फरार चल रहे हैं, जो पुलिस के निगरानी में हो के भी गिरफ्तारी उनकी नहीं की जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं शासन का हाथ है, तो हम चाहते हैं किसी भी हर हालत में उसकी गिरफ्तारी कर दिया जाए और उनको जेल में भेजें।